नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। और आज इस समय हम मौजूद हैं मोहरा कला गांव में, जहां पर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा अखिलेश यादव द्वारा। इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन संतोष पांडे जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि पूर्व विधायक है सुल्तानपुर लम्बुना की। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी। सर, जो ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, देखिए, ये प्रभु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का मंदिर है और साथ में 68 फीट का फरसा भी लगा है। ये उत्तर प्रदेश का पहला या मुझे लगता है देश का सबसे ऊंचा फरसा है। और हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी का मंदिर बना है, आज पूरे ब्राह्मण समाज में और जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आज सब बहुत पसंद है। देखिए, चुनाव तो होता रहता है, धर्म में तो हम लोग शुरू से आस्थावान हैं। हमारे भगवान परशुराम जी जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो परशुराम जयंती की उन्होंने घोषणा की थी, छुट्टी जारी रही। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती, उन्होंने भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिया। तो हम तो ये मानते हैं कि ये अपनी आँख कान खोलें, देखें ये कैसे मानते हैं। हमारा ये मानना है कि सर्व समाज के लोग आज भगवान परशुराम जी का दर्शन करेंगे और खुशहाली मनाएंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की देन है। जब बलिया से लोग लखनऊ दिल्ली तक जाएंगे, यहाँ प्रभु का दर्शन करेंगे, उनके बिगड़े काम बनेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग भी यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ेंगे उनके शुभ कार्य होंगे। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बहुत मजबूती से इस आत्याई अन्याचारी सरकार के खिलाफ एकदम डंका बजा रहा है। और उत्तर प्रदेश में इस बार भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और क्या मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी के चुनाव में? ये समाजवादी पार्टी ने सभी जातियों, सभी धर्मों, गरीबों, किसानों, कमजोरों की लड़ाई शुरू से लड़ी है। हमारे नेता का एक ही तरीका है कि सबको साथ लेके चलना है, सबको खुशहाल बनाना है, सबको तरक्की देनी है। और यही हमारा नारा है, इसी से हम आगे। संतोष पांडे जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।